3 दिसंबर 1984 की वो काली रात जिसे भोपाल की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी त्रासदी कहा जाता है। इस रात में ना जाने कितने लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, ना जाने कितने ही परिवार मौत की नींद सो गए। चारों तरफ बस चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी, आंखों में जलन, दम घुटना और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बताया जा रहा था कि एक फैक्ट्री से कोई जहरीली गैस लीक हो गई है जो पूरे क्षेत्र में फैल गई है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इस घटना में हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन क्या ये लापरवाही उस फैक्ट्री के वर्कर्स की थी? कैसे ये गैस लीक हो गई और क्या इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया? क्या वहां के परिजनों को सरकार की तरफ से कोई सहायता दी गई? क्या कुछ उपाय करके इस त्रासदी से बचा जा सकता था? आइए जानते हैं उस काली रात को विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में एक कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना था जिसमें कीटनाशक दवाएं आदि बनाई जाती थी, जिससे ही इस त्रासदी का जन्म हुआ। ये कारखाना मिथाइल आइसोनाइड के उत्पादन के लिए खोला गया था। 3 दिसंबर की रात एक टैंक में पानी के रिसाव के कारण जहरीली मिथाइल आइसोनाइड गैस के साथ पानी मिलना शुरू हो गया और उसमें रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई। वहां अत्यंत गर्मी और दबाव पैदा भी हो गया। टैंक के अंदर का तापमान 200 डिग्री से भी ज्यादा हो गया। इस रिसाव ने किसी को देखा भी, परंतु उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि इतने बड़े कारखाने में छोटे छोटे लीक होना एक आम बात है। इस रिसाव के बाद इस जहरीली गैस ने वातावरण में फैलना शुरू कर दिया और एक घंटे के अंदर ही करीब 40 टन गैस का रिसाव हो गया। इसका असर लोगों पर भी दिखना शुरू हो गया। जो लोग कंपनी के आसपास के इलाकों में थे उनकी आंखों में जलन होने लगी, उन्हें खांसी आना भी शुरू हो गई थी। चारों तरफ भगदड़ मच गई थी। वहां कोई भी कत्लेआम नहीं हुआ, फिर भी सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए थे। लोग सड़कों पर भागे जा रहे थे, अस्पताल पूरी तरह से भर गए थे। सिर्फ वही लोग नहीं भाग रहे थे जो या तो मर गए थे या फिर बेहोश हो गए थे। मौतें इतनी ज्यादा हो रही थी कि उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी पर्याप्त नहीं हो रही थीं। जो लोग मर गए थे उनका पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर भी कम पड़ रहे थे। 5 या 10 लोगों में से एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके उसकी रिपोर्ट उसी हिसाब से बनाई गई। इस त्रासदी में करीब 558,000 लोग सीधे प्रभावित हुए, परंतु इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण था? आखिर लापरवाही किसकी थी? बताया जाता है कि उस समय कंपनी के कंपटीटर काफी बढ़ गए थे। अन्य कंपनियां उसी वस्तु को कम कीमत में मुहैया कराती थी। कारखाने में सप्लाई भी कम हो गई थी। इसे स्थिति को सुधारने के लिए और कीमत को कम करने के लिए जरूरी था कि कारखाने के खर्चे को कम किया जाए। कारखाने के जो सुरक्षा उपकरण ठीक नहीं थे उनको ठीक ही नहीं कराया गया और ना ही उनको बदलाया गया और अन्य सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया। स्थानीय न्यूज़पेपर के अनुसार कारखाने के सारे मैनुअल इंग्लिश में थे, जबकि कारखाने में अधिकतर काम करने वाले कर्मचारियों को अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान भी नहीं था। साथ ही पाइप को साफ करने वाले उपकरण ने भी काम करना बंद कर दिया था। टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी गई थी। गैस का तापमान 4.5 की जगह 20 डिग्री हो गया था। पावर का बिल कम करने के लिए फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिया गया था। इन्हीं लापरवाहियों के कारण ये मौत का तांडव हुआ। इस त्रासदी के बाद ही सरकार ने इस कारखाने में घुसने पर रोक लगा दी, जिस कारण इस घटना का कोई ठोस सबूत और कोई पुख्ता जानकारी लोगों के सामने नहीं आई। शुरुआत में इसकी छानबीन CBI और CSI द्वारा की गई। लगभग 5,20,000 लोग इस गैस से सीधे प्रभावित हुए। 2,00,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 15 वर्ष से भी कम थी। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार करीब 8,000 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने मरने वालों की संख्या करीब 3,700 बताई है। इस पूरे कांड के आरोपी बोरेन एंडरसन को लेकर आज भी राजनीति हो रही है। उसका नाटकीय ढंग से भोपाल से जाना किसी रहस्य से कम नहीं है। त्रासदी के दौरान तत्कालीन कलेक्टर रहे मोती सिंह और SP सुराज सिंह पर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चीफ एंडरसन को भागने में मदद की थी। इन अफसरों के खिलाफ आधिकारिक केस भी दर्ज हुआ, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को बंद करने का आदेश दिया। कंपनी के CEO पर जुर्माना भी लगाया गया, परंतु जल्द ही उसे इससे मुक्त कर दिया गया। इस घटना को हिरोशिमा नागासाकी जैसा आधुनिक परमाणु हमला भी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों।